फिलहाल बहुत जल्द एक नया ट्रिप स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग को वो भी काफ़ी अच्छा ट्रिप देखने को मिलेगा। तो भाई दो खुशखबरी एक साथ मिलने वाला है, हो सकता है एक खुशखबरी जो है आपको अगला आने वाला वीडियो तक। तो भाई जिसका इंतजार था ना वो टाइम आ गया, आप देख पा रहे हो कितनी बहुत सारे भाई लोग फुटबॉल भी खेल रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल आप सबके, होप कि सब अच्छे होंगे, आपका भाई भी बिल्कुल भी ठीक ठाक है। तो भाई फिर से स्वागत करता हूँ आप सबके एक अनदर ब्लॉग में। तो गाइज ये वाला ब्लॉग लगभग एक हफ्ता बाद आप देख पा रहे, क्योंकि अभी ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं है। तो क्यों कंटिन्यू नहीं है ये भी आपको इस ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं और इस वाले ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो ये आज का मौसम देख लो, काफ़ी ख़तरनाक है और बूंदाबांदी बारिश भी हो रही है। पता नहीं तेज़ बारिश होगी कि नहीं होगी, तो देखते हैं। और मौसम तो काफ़ी लाजवाब है, आप देख पा रहे हो गए काफ़ी हरा भरा अपना मैदान है। तो भाई आज का जो दिन का जो शुरुआत हुआ वो बहुत पहले हो चुका है। आज 8 बजे मॉर्निंग में औरंगाबाद से लगभग 35-40 किलोमीटर डिस्टेंस गए और वापस से आके इस वाले ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं। फिलहाल आप देख पा रहे होगे 2:15 होने वाला है, 2:11 हो रहे हैं। तो फिलहाल अभी आज नहाए भी नहीं है और वेट कर रहे हैं इस बारिश का। तो देखते हैं बारिश होता है तो फिर बारिश से नहाते, नहीं तो फिर टंकी के पानी से नहाना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी वेट कर रहे हैं। और भाई वहाँ देखो सारे लोग हाई लोग कर रहे हैं। तो भाई मौसम तो काफ़ी लाजवाब है और देखते हैं कितना देर में बारिश होती है, थोड़ा देर वेट करते हैं उसके बाद फिर नहाएंगे। तो भाई जिसका इंतज़ार था ना वो टाइम आ गया, आप देख पा रहे हो कितनी तेज़ बारिश हो रही है और कितने बड़े बड़े बूंदे भी हो रही है। तो चलते हैं भाई नहाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप सबसे। तो भाई फिलहाल अभी फील्ड जो था वो सूखा पड़ा था, बट आप देख पा रहे हो अभी काफ़ी भर गया है और वहाँ पर बहुत सारे भाई लोग फुटबॉल भी खेल रहे हैं। तो भाई बहुत देर बारिश होने के बाद फिलहाल अभी रुक चुकी है और हम भी नहा लिए हैं बारिश के पानी से, उसके बाद फिर टंकी के पानी। तो भाई आज का ब्लॉग स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, लेट इसलिए हुआ कि आपको बताएं कि मॉर्निंग में लगभग 8 बजे घर से निकल गए थे शेर घाटी के लिए, वहाँ पे कुछ काम था, उसके बाद फिर रिटर्न 1 बजे तक हुए, उसके बाद फिर इस वाले ब्लॉग को स्टार्ट किए। तो भाई बारिश के बाद आपको इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे हमारे घर के बाहर। तो आप देख पा रहे होगे सारा फील्ड भर चुका है। हाँ जी, तो फिलहाल जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बहुत दिन से ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, कभी एक हफ्ता कभी 4 दिन लेट हो जा रहा है। तो फिलहाल अभी गाइस आपको बता दें कि कुछ दिनों तक ऐसा रहेगा, उसके बाद फिर बहुत जल्द आप सबको एक गुड न्यूज़ देने वाले हैं जो हमारे पूरे यूट्यूब फैमिली के लिए रहेगा, वो काफ़ी बढ़िया गुड न्यूज़ है। तो हो सकता है उसके बाद फिर न्यू ट्रिप का खुशखबरी भी देंगे। तो जैसा कि गाइस आप सबको पता है कि औरंगाबाद में जहाँ पे हम रहते हैं अभी उस तरह का कंटेंट मिलता नहीं है, इसलिए आप सबको कंटेंट दे नहीं पाते हैं, जिस कारण लेट हो जाता है वीडियो आने में। तो फिलहाल बहुत जल्द एक नया ट्रिप स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग को वो भी काफ़ी अच्छा ट्रिप देखने को मिलेगा। तो भाई फिलहाल तो अभी निकल चुके हैं अपने एक्टिवा के साथ और देखते हैं कहाँ जाते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है इसलिए सोचे कि चलो आज एक छोटा सा मोटो व्लॉगिंग करके आते हैं। तो भाई जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोनों तरफ आप देख पा रहे होंगे पानी, अभी फिलहाल जल्द में ही पानी आया है, नहीं तो भाई अभी औरंगाबाद में बहुत कम बारिश हुई है इस साल, जिस कारण आपको सन्नाटा देखने को मिलेगा। तो भाई दो खुशखबरी एक साथ मिलने वाला है, हो सकता है एक खुशखबरी जो है आपको अगला आने वाला वीडियो तक मिल जाएगा और दूसरा जो खुशखबरी है वो हो सकता है 5 दिन भी टाइम लग सकता है, 6 दिन भी टाइम लग सकता है या उससे भी ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम 10 दिन के अंदर आप सबको दोनों खुशखबरी मिलने वाला है। और दोनों खुशखबरी क्या है भाई, वो आपको दोनों एक साथ ही एक ही वीडियो में बताएंगे जब दोनों खुशखबरी आ जाएगा तब।